हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाइसर पर। तो आज एक बार फिर से हम यहां पर हाजिर है एक और बेसिक मैथ के बेसिक वीडियो के साथ, बेसिक लेक्चर के साथ। और इस वीडियो में क्या करने वाले हम लोग, किसी भी दशमलव वाली संख्याओं का गुना करने वाले हैं 10, 100 और 1000 से। यानी कि हम बात करें तो 10 का मतलब होता है 10^1, ये 10 हुआ। 10^2, ये 1000 हो गया। और 10^3, ये 1000 हो गया। तो कहने का मतलब है किसी भी दशमलव वाली संख्याओं को 10^1, 10^2, 10^3, 10, 100, 1000 से अगर गुना करेंगे तो हमको क्या मिलने वाला है, इसके बारे में हमको यहाँ पर जानना है। ठीक है, समस्या इस तरह की समस्या जो है जरूर आता है ना। तो वहां पर क्या करना है, हमको भाग देना पड़ता है ना। हमको क्या करना है, भाग नहीं देना है, बस एक बार समझ लेना है कि इसको हमको कैसे करना है, किस तरीके से करना है। ठीक है, और दूसरी बात देखो यहाँ पर क्या है कि अगर यहाँ पर सीखने के लिए आए हो तो वीडियो देखो, और ऐसे आए हो मजे करने के लिए तो वीडियो बंद करो और आराम से चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा बुरा लगेगा लेकिन सीखने आए हो तो वीडियो को देखना पड़ेगा ना, समझना पड़ेगा। एक बार देखो, कॉपी पेन लेकर के बैठो और पूरी वीडियो को देखो, फिर 2-3 बार उसको क्या करना है, रिविजन करना है। होता यह है ना कि एक ही बात को बार बार हम सर्च करते हैं, देखते जाते हैं, सर्च करते हैं, देखते जाते हैं, दिमाग से निकलता चला जाएगा। एक बात को एक बार देखो ना, देखो, नोट करो, दिमाग लगाओ, 2-3 बार रिवीजन करो। अब इतना सारा क्वेश्चन है ना कि अगर कर लो तो इतना ही में काम तमाम हो जाएगा इसका, दोबारा ये परेशानी नहीं करेगा। और नहीं अदरवाइज तो फिर यहाँ देखो, फिर अगला वीडियो सर्च करो, फिर इसके बाद अगला वीडियो सर्च करो, फिर इसके बाद अगला वीडियो सर्च करो, सर्च करते रहो। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखने वाले क्या है, देखने वाले हैं कि दशमलव वाली संख्याओं का गुना और भाग कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले है कि 2.5 को अपने को करना है 10 से गुना। कितना से, 10 से गुना करना है। देखो क्या है, दशमलव यहाँ पर है और दशमलव के बाद कितना डिजिट है, एक डिजिट है। होता क्या है, जब भी 10 से गुना करते हैं ना, देखो दशमलव वाली संख्या को यदि 10 से गुना करेंगे, 2.5 है, 10 से गुना इसको कर दे तो ये जो है ना, ये दशमलव का ये वाला डिजिट ये कूद करके दशमलव के दूसरी तरफ चला जाता है। या हम ये भी बोल सकते हैं, ये दशमलव जो है एक अंक दाहिनी ओर शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, 10 से गुना करना है अपने को, 10 से कैसे, वो देखो, मान लो कि 4.5 है, इसको 10 से गुना कर रहे हैं, हमने क्या कहा, दशमलव एक अंक दाहिनी ओर शिफ्ट होगा तो ये हो जाएगा 45। इसी तरीके से मान लो 4, 5, 4, अब यहां से हमारे मान लो 10 से गुना करना है तो फिर से ये दशमलव शिफ्ट होगा दाहिनी ओर, ये हो जाएगा 454। मान लो 4.54×10 से गुना करना है तो फिर यहां से दशमलव शिफ्ट होगा एक अंक दाहिनी ओर, ये हो जाएगा 445.4। तो अपना फंडा ये है 10 से गुना करने का। ठीक है, तो अगर मान लो 2.5 को अगर हम गुना करते हैं 10 से तो क्या होगा, 2, ये सीधा सीधी क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। और इसको समझने का एक और तरीका है ना, सीधा याद रखो, अगर इतना नहीं दिमाग लगाना है तो देखो, 2.5 है, गुना करेंगे 10 से हो जाएगा 25। 3.4 है, गुना करेंगे 10 से हो जाएगा 34। 6.5 है, 2 है, गुना करेंगे 10 से ये हो जाएगा 10 है ना, 10 ले लो, 10 से गुना करेंगे ये हो जाएगा 62। तो इस तरीके से यहाँ से हमको पता चल जाता है कि दशमलव को वाली संख्या को 10 से गुना करेंगे तो क्या होगा। मान लो 3.25 है, इसको 10 से गुना है तो यहाँ पर तो हमने बताया है, अगर 10 से गुना करेंगे तो दशमलव एक अंक दाहिनी ओर शिफ्ट करता है, मतलब ये वाला दशमलव जो है उठ करके यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो देखो कहाँ जाएगा, 32.5, ये इसका आंसर हो जाएगा। 10 से गुना करने के बाद क्या होता है, दशमलव एक अंक दाहिनी ओर शिफ्ट करता है, और जब 100 से गुना करते हैं दशमलव 2 अंक दाहिनी ओर शिफ्ट करता है। कैसे, देखो जरा, मान लो कि अगर हमको यहाँ से 32.25 इसको अगर 100 से गुना कर रहे हैं तो दशमलव 2 अंक किधर शिफ्ट करेगा, दाहिनी ओर, मतलब ये दशमलव उठ के आ जाएगा यहाँ पर, तब ये हो जाएगा 3225, ये कितना हो जाएगा, 3225। तो यहाँ पर देख लो, 56.23 है,
अब ये 100 से गुना कर रहे तो दशमलव क्या होगा, दो अंक दाहिनी ओर शिफ्ट हो जाएगा, यानी दशमलव यहाँ आ जाएगा, ये हो जाएगा 5623। ठीक है, अब यहाँ से 45.236 है और इसको 100 से गुना करना है, तो हमने क्या किया, दशमलव फिर से क्या होगा, दो अंक दाहिनी ओर शिफ्ट होगा, यहां से लेकर के यहाँ आ जाएगा दशमलव, 45.236 पहले लिख लेते हैं, दशमलव यहाँ आ रहा है तो दशमलव यहाँ आ जाएगा, इतना हो जाएगा। अब देखो 4.5 है ना, तो 4.5 100 से गुना कर रहे हैं तो 10, देखो 100 जो है ना वो 10×10 से मिलकर के बना हुआ है, अगर 10 से गुना करेंगे तो एक अंक कहाँ आ जाएगा, दशमलव, यानी दशमलव खत्म ही हो जाएगा, ये दशमलव यहाँ पर आ जाएगा, फिर 10 से गुना करेंगे तो अब 45 है, 10 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 450 आ जाएगा, तो ये हो गया हमारे पास 450। ठीक है, अच्छा एक तरीका और है जो हम अभी बात करने वाले हैं, बहुत ही आसानी के साथ उस तरीके से हम क्या करेंगे, बना सकते हैं। अच्छा उस तरीके के बारे में भी बात कर लेते हैं, गुना वाले में बहुत यूजफुल है वो तरीका, अगर उस तरीके का अप्लाई करते तो इतना, देखो ये कॉन्सेप्ट था तो कॉन्सेप्ट तो हमको समझना पड़ेगा, है कि नहीं, कॉन्सेप्ट है तो कॉन्सेप्ट तो समझना पड़ेगा, अदरवाइज आप गुना कर लो। ठीक है, हमारा काम क्या है कि किस तरीके से आसानी से समझ में आ जाए, कम समय में हम कैलकुलेशन कर सके। देखो सिंपल बात है, अब जो बात कर रहे हैं यहाँ पर क्वेश्चन क्या था हमारे पास, 2.5 और गुने में 10, 2.5 और गुने में 10 था। अब अगर मान लो यहाँ पर होता क्या है कि एक जीरो से दशमलव के बाद एक अंक है ना वो कट जाता है, खत्म हो जाता है, 1.0 बाद एक स्थान, अगर दशमलव बाद दो अंक है तो यहाँ पर 2.0 होना चाहिए तब पूरा खत्म होगा, है कि नहीं। चलो जैसे कि मान लो यहाँ पर क्या है कि 3.25×10 है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, अब यहाँ पर तो शिफ्ट वाला बात ही होगा, यहाँ पर क्या होगा, शिफ्ट वाला बात ही होगा, ये शिफ्ट ही करेगा। आगे देख लेते क्वेश्चन, यहाँ पर देखो 4.5, अब यहाँ से अगर दशमलव को हटाना है तो देखो यहाँ से क्या होगा, दशमलव के बाद एक अंक है ना, ये दशमलव खत्म होगा, साथ में 1.0 खत्म होगा, ये दशमलव खत्म होगा, साथ में 1.0 खत्म होगी, अब बच गया 45×100, ये हो जाएगा 4500। अब यहाँ से देखो दशमलव बाद दो अंक है, यहाँ से 2×2 है दशमलव के बाद, यहाँ से दशमलव खत्म होगा, दशमलव के बाद 2.0 है वो खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा 4260। आगे देख लो यहाँ पर दशमलव बाद तीन अंक है, दशमलव खत्म होगा और ये 3.0 खत्म हो जाएगा, अभी आंसर जो आएगा हमारा 96276 ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमको पता चल चुका है कि दशमलव का जो है गुना हम कैसे कर सकते हैं, दशमलव में जो कोई भी संख्या है तो उसका गुना 10, 100, 1000 से हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो इसी के साथ मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।